हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कंडेंस्ड मिल्क, होम मेड कंडेंस्ड मिल्क। हम लोग डालेंगे एक आधा कप दूध, हाँ फुल क्रीम दूध है। चौबीस से 25 ग्राम हम लोगों को लेना है बटर। दूध में हमने 20 से 22 ग्राम तक या 22 से 24 ग्राम तक हमने बटर ले लिया है। हाफ कप दूध, फुल क्रीम दूध और एक कटोरी चीनी है। अब इसको बॉयल होने देंगे। जब तक दूध में गाढ़ापन ना आ जाए तब तक इसको हिलाना बंद नहीं करना, क्योंकि ये नीचे लग जाएगा। तो गाइस, इसको हिलाते रहना है, और जब तक हिलाते रहना है इसमें, जब तक बॉइलिंग ना आ जाए। हाँ जी दोस्तों, अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क ना हो, दूध ना हो, तो आप हाफ कप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। हाँ जी, देखिए ये फॉइलिंग पे आ गया है। इसमें मिल्क पाउडर हाफ कटोरी या कस्टर्ड पाउडर, दोनों ही चीज़ अगर आप लोगों के पास फुल क्रीम दूध ना हो तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, ताकि दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। आपने अगर मिल्क पाउडर डाला है, अगर इसमें लम्स आ जाते हो तो क्या कर सकते हैं, इसको बनने के बाद, ठंडा होने के बाद आप मिक्सर में भी इसको एक बार ग्राइंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसमें जो लम्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा कंडेंस्ड मिल्क बनकर तैयार है। इसको फ्रिज में रख देंगे, ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी गर्म है इसलिए ये इस तरह से पतला है। बाय दोस्तों। YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।